खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई से नगर के नाका नंबर एक पर मुस्लिम समुदाय के नौजवानों द्वारा रमज़ान के आखिरी असरे में रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया गया। नाका नंबर एक के मुस्लिम समुदाय के नौजवानों द्वारा ये रोज़ा इफ्तार का दूसरा आयोजन था। रमज़ान के बाबरकत महीने के आखिरी असरे में आग से खुलासी की सभी नौजवानों ने अल्लाह से दुआ मांगी। रोज़ा इफ्तार के बाद खाना ताम का भी इंतज़ाम किया गया। रोज़ा इफ्तार के आयोजन को सफल बनाने में नाका नंबर एक के सभी मुस्लिम नौजवानों का सहयोग प्राप्त हुआ। रोज़ा इफ्तार के बारे पाशा खान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस असरे में रोज़ा इफ्तार का एक बार और आयोजन किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज यहाँ पे रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम किया गया जो कि नागपुर नाके के सभी युवाओं ने आपस में कलेक्शन करके मुलताई के काफ़ी लोगों को इनवाइट किया, जिसके आज यहाँ लोग रोज़ा खोलने के लिए आए। रोज़ा इफ्तार और खाने का प्रोग्राम रखा गया। ये इसके पहले भी आपने एक आयोजन किया था और आज ये दूसरा आयोजन है, इसके बारे में बताएं। हम लोगों का ये मानना है कि रोज़ा इफ्तार अगर साथ में करते हैं तो मोहब्बत बढ़ती है। इसी चक्कर में युवाओं ने धीरे धीरे स्टार्ट किया था। पहले दो से तीन बार रोज़ा खुल चुके हैं और ये चौथी बार है और आज हमने खाने का प्रोग्राम किया और सभी लड़कों ने इसमें भाग लिया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।